दोस्तों, गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों का फल या सजा कैसे मिलती है। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक पूरा भाग कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। चलिए हम आपको बारी बारी बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयानक सजाओं के बारे में, और इसमें ना नहाने वाली सजा भी शामिल है, तमीशरम। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांध कर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनको वापस होश में लाया जाता है और फिर से उन्हें पीटा जाता है। अंध तंत्रसम। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। कुंभी पाकम। यह सजा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम। यह सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। अंधकूपम। दोस्तों, ये सजा उन लोगों के लिए होती है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान या सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े और सांप होते हैं। दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण की इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप पूरी तरीके से मिट जाएंगे। भला इतना सब कुछ जान के किसको खौफ नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।